हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक में आपका स्वागत है। आज हम एक और टर्बो लेकर आए हैं आपको दिखाने के लिए। ये कस्टमर हमारे पास आया था और ये टर्बो लेकर आया था तो इसे सही करने के लिए, और जैसे कि हमने इसे टर्बो को खोल कर देखा तो ये एक्सीडेंट है। एक तरीके से पूरा शापट नहीं है, इसमें टूट चुका है और होजिंग भी आगे से फट चुका है पूरा, और जो इसकी बॉडी है वाली हांडा जिसे हम कहते हैं, अंदर भी इसमें काफ़ी स्क्रैचेस हैं, जिसकी वजह से ये टर्बो जो है अब ख़राब हो चुका है और ये मतलब सही करने लायक नहीं रहा, क्योंकि इसमें निशान आने की वजह से एयर प्रॉपर नहीं बन पाएगी। तो दोस्तों आपने देख ही लिया है किस तरीके से क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो जो कस्टमर है इसे हमने बताया था कि ये टर्बो आप चेंज कर लीजिए, नया लगा लीजिए, वो ठीक है नहीं, मगर ये कस्टमर जो था हमारे पास से टर्बो वापस ले गया और इसने हमसे करवाया नहीं, और इसने सोचा कि सस्ता और टिकाऊ कहीं बनता हो जुगाड़, वो काम हमारे इस टर्बो में कर दो जिससे ये चालू हो जाए। तो दोस्तों एक बात बताओ, जब टर्बो ही टूट गया तो किस तरीके से चालू हो जाएगा वो? तो मेरा मानना तो ये है कि टर्बो हमें चेंज कर देना चाहिए पूरा कंप्लीट, क्योंकि इसमें स्क्रैचेस भी आ चुके हैं और उसमें समस्या भी आ चुकी है। तो दोस्तों ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ये जो मैंने निर्णय लिया इसके लिए, तो ये सही लिया गलत लिया। तो दोस्तों ये टर्बो तो था ये एक तरीके से बिल्कुल एक्सीडेंटल था और ख़राब हो चुका था, जो कि अंदर से आप देख सकते हैं, मैं होजिंग निकाल चुका हूँ और ये देखिए ये जो है चाल कितनी हो चुकी है और छापटी नहीं है। पहली बात तो चाल का क्या करना है, चाल डालना है हमने? तो मैंने कस्टमर को यूं कहा कि भाई आप पूरा कंप्लीट हेड समेत पूरा मतलब टर्बो पूरा कंप्लीट मंगा लीजिए हैं भट्टी समेत, क्योंकि वो ठीक रहेगा आपको, क्योंकि इसमें ज़्यादा समस्या है, स्क्रैचेस हैं, कल को फिर ये एयर प्रॉपर नहीं बना पाएगा और शापट वगैरह उसमें टकराने की संभावना रहेगी, क्योंकि इसमें काफ़ी स्क्रैचेस आ चुके हैं सिल्वर होजिंग और हंडे में। अगर हम इसमें कोर नहीं लगाते हैं, चाइना की लगाते हैं या किसी भी कंपनी की लगाते हैं, तो समस्या आ सकती है। तो दोस्तों मैंने जो आपको बताया आपको वीडियो में कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ऐसी ऐसी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरा इंस्टाग्राम पर भी पेज बनाया हुआ है और आप वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।